हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द शाइन। इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में, RIECE 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इस फॉर्म का जो लिंक है वो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम जो होगा, आपका लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अपने फादर्स का नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे अपने मदर का नेम, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो भी डालेंगे, यानी आपका फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर वो भी डालेंगे जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई इशू ना हो, बिकॉज आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी वो यहीं पे मिलेंगी। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, आपका जो प्रोफाइल है वो आपको मिल गया, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको मिल गया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब आप जाएंगे लॉगिन पे, आपका यूज़र नेम आपको मिल गया है, ये आपका पासवर्ड है, आप यहाँ पे जो आपका कैप्चा है वो एंटर करेंगे EDRG। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई हुई है कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है, आपकी मेन पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स एंट्री, आपका कोर्स, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, आपका इंस्टीट्यूट जो आपको चूज़ करना है, आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन, आपकी ऑनलाइन CE पेमेंट, आप अपना एप्लीकेशन फिर कंफर्म करेंगे और उसे प्रिंट करवाएंगे। आप ऐसे लॉग इन करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे आपका रजिस्टर नंबर, पैन कार्ड, जो डिटेल्स अभी तक आपने भरी है वो आ गई है। आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आप अपनी सारी डिटेल्स जो यहाँ पे गिवन है वो सारी डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप भरते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अपना जेंडर फिल करेंगे, यहाँ पर आपकी नेशनैलिटी, आपकी जो कैटेगरी है, अगर आप डिसेबल हैं यस, अगर आप यस करेंगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे। जब हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे आप कंप्लीट करेंगे इंस्टीट्यूट, आप ये देखते जा रहे हैं जैसे जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है जहाँ पे आपने स्टडी की थी, अपना इंस्टीट्यूट लिख दिया है, अपना सब्जेक्ट बुक लिख देंगे, आप अपने जितने भी आपके मार्क्स आए थे अपनी सारी डिटेल्स जो भरेंगे वो सारी आपकी कवरेज डिटेल्स होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सारे जो फील्ड्स हैं मैंडेटरी हैं, आपको भरने ही हैं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सेव करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको बोला कि अपनी एक बार अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चेक कर दीजिए फिर से, इन केस कुछ गलत ना हो। आप यहाँ पे अपने एड्रेस लिखेंगे, अपना स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी सिटी का नेम, आप अपना पिन कोड लिख सकते हैं, अपना हाउस नेम लिख देंगे, अगर बिल्कुल सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस सेम है आप एड्रेस सेम है इसका वक्त पे क्लिक करेंगे। आपको जिस प्रोग्राम के लिए जाना है ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे, अगर आपको कोई और प्रोग्राम के लिए भी करना है तो आप ऐड करेंगे। आप ये देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आ गई है,
ये सारी इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट चॉइस या सेंटर की डिटेल्स दिखेंगी, किस जगह आप जहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा उसके सेंटर्स। आप अपनी तीन चॉइस दे सकते हैं, जो भी चॉइस आपको लगती है। अपनी सारी डिटेल्स आगे जाने से पहले चेक करेंगे कि वो सही है, फिर आप सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके जो हम आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। अब आप फाइनल करेंगे अपनी जो लॉक डिटेल्स करेंगे, जितनी भी सारी डिटेल्स आप लॉक कर देंगे। ओके सॉरी वन सेकंड, आई फॉरगेट समथिंग। कोई एक इंफॉर्मेशन रह रही है, प्लीज टू कॉल द डिफरेंट डिटेल्स एंड कॉल। या आई डिड दैट, यस ओके ओके यस दिस इज मिसिंग। जो आई वाज सेइंग कुछ मिसिंग है वो है, आप यहाँ पे जाएंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आप अपनी फाइल चूज करेंगे। बट बिफोर दैट आप प्लीज देखिएगा जो आपकी फोटो होगी वो इन्हीं फॉर्मेट्स में हो सकती है और जो साइज होगा वो 40 KB से कम होगा। आप यहाँ पर जाएंगे आपकी कोई भी इमेज जैसे पिक्चर्स पे आप गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज लिखा होता है आपके पिक्चर्स का, आपके जो पिक्चर का साइज होगा वो 40 KB से कम होगा। बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी वेबसाइट्स होती हैं जो फोटोज़ की पिक्चर्स की साइज कम कर सकती हैं। आप वहाँ पे जाके अपना साइज़ कम कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर क्लिक की है जिसका MB में है साइज़, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाके अपनी पिक्चर अपलोड करके साइज रिड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर्मेट चेंज करने वाले भी। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन आपको साइज मिल जाएगी जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप जब ये कर देंगे तो आप अपने पिक्चर्स को अपलोड करेंगे, फिर आप प्रिंट ड्राफ्ट पे जाएंगे। ये देख सकते हैं अपनी आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब आप सिग्नेचर क्लिक करेंगे, जब आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ये देखेंगे ये ड्राफ्ट है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये बैक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल प्रिंट भी ले सकते हैं। जब भी सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे तो आपके पास फाइनल लॉक करने का ऑप्शन आएगा, आप उसे लॉक कर देंगे। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो। अगर की है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, होप यू हैव अ